हेलो गाइस, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9 ओवर 11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो इफ इट बिकम्स 5 ओवर 6 फाइंड द फ्रैक्शन। सो हमको यहाँ पे फ्रैक्शन फाइंड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे क्या ले लेना है, इसको एक एज्यूम कर लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स ओवर वाई। फ्रैक्शन हमेशा इस टाइप से होता है, सो इसको हमने एज्यूम कर लिया। अब देखिए यहाँ पर जो बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमें क्या गिवन है, देखिए अ फ्रैक्शन बिकम दिस इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब बात क्या कर रहा है कि इन दोनों में जब हम एड कर दें 2 तो उसका फ्रैक्शन इतना हो जाएगा। सो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, इसको हम देखिए क्या लिखेंगे, इसको लिखा जाएगा एक्स प्लस 2 ओवर वाई प्लस 2 इक्वल 9 ओवर 11। ये हमने बात किया सिर्फ इतने पार्ट तक के लिए, ठीक है। अब इसमें आगे बोला गया है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब अब हमको इस वाले फ्रैक्शन में एड करना है 3 को। सो इसको देखिए हम क्या लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा, यहीं पे लिखते हैं एक्स प्लस 3 ओवर वाई प्लस 3 इट बिकम्स 5 ओवर 6। इसका मतलब क्या आएगा, इसके इक्वल में आ जाएगा 5 ओवर 6, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसलिए मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है कि देखिए हमें इसमें क्या करना है। अब ये हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन है। सो इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें सो ये क्या हो जाएगा, यहां से आपको मिलेगा 11x प्लस 22 इक्वल 9y प्लस 18। ये हो जाएगा जस्ट बिकॉज हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब हमको फॉर्म क्या चाहिए होता है, 11x प्लस 9y, सॉरी माइनस 9y, यहाँ पर आके माइनस का हो जाएगा। एंड आप इसको क्या कीजिए, इसको आप यहाँ पर लेके आइएगा, ठीक है। सो यहाँ पर फाइनली आपको इक्वेशन क्या मिल जाएगी, 11x माइनस 9y इक्वल माइनस 4, ठीक है। सो इस टाइप से हमने इक्वेशन अपनी ये रेडी करी। अब एक हम यहां से करेंगे, अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। सो इट विल बी 6x प्लस 18 इक्वल 5y प्लस 15, ये आ जाएगा। सो यहां से आप क्या लिख देंगे इसको, 6x माइनस 5y इक्वल 15 माइनस 18, सो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 6x माइनस 5y इक्वल माइनस 3। सो एक इक्वेशन हमको यहां से ये मिल जाएगी, इसको मैं यहीं पे लिखती हूँ 6x माइनस 5y इक्वल माइनस 3। आप इसको एक नेम दे देते हैं कि ये फर्स्ट इक्वेशन की बात हो रही है, ये सेकंड के लिए, इसको हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसमें हमें क्या करना है, जैसे कि आपको पता है कि इसमें हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक्स के फॉर्म को एक वाई के टर्म में रेडी करना है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकती हूँ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, तो 6x इक्वल माइनस 3 प्लस 5y, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। एंड यहां से आपको मिल जाएगा 6x इक्वल 5y माइनस 3, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड फाइनली यू विल गेट 6x, सॉरी x इक्वल 5y माइनस 3 ओवर 6। अब देखिए जो हमने x से यहाँ पे वैल्यू फाइंड किया है उसको हमें पुट कहाँ करना होगा, हम इन दोनों में से किसी एक में कर सकते हैं, हम फर्स्ट वाले में करते हैं क्योंकि हमने सेकंड से इक्वेशन निकाली, हम फर्स्ट में पुट करते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम थर्ड इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो हम वैल्यू को पुट करते हैं। अब हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, 11x माइनस 9y इक्वल माइनस 4। अब x की जगह पर हमने वैल्यू को पुट करना है, सो 11 5y माइनस 3 ओवर 6 माइनस 9y इक्वल माइनस 4। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, 55y माइनस 33 ओवर 6 माइनस 9y इक्वल माइनस 4।
एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका 6 आ जाएगा, सो इट विल बी 55 बाई माइनस 33 माइनस 96 ऑफ 54, सो 54 बाई इक्वल माइनस 24। ठीक है, अब देखिए इसको इसके पास लेके आते हैं तो इट विल बी 55 बाई माइनस 54 बाई इक्वल, इसको यहां लेके जाएंगे तो माइनस 24 प्लस 33। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो यहां से हमको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये तो आपका 54, सो 55 माइनस 54 इज 1, तो आप y लिख सकते हैं इसको, सो y इक्वल 6 प्लस ये आ जाएगा आपका 9। ठीक है, सो ऐसे हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे y की। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो हम क्या कर सकते हैं, इस y की वैल्यू को अगर हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर दें, थर्ड इक्वेशन में आपको x मिल जाएगा। सो देखिए हम इसकी वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, x इक्वल 5y माइनस 3 ओवर 6, वैल्यू पुट करते हैं, सो x इक्वल 5 इंटू 9 माइनस 3 ओवर 6, x इक्वल 45 माइनस 3 ओवर 6 एंड x इक्वल, इसको देखिए माइनस करिए तो आपका कितना आ जाएगा 42, सो 42 ओवर 6 एंड जब ये कैंसिल इससे होगा तो कितने टाइम हो जाएगा, ये 7 टाइम्स। सो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब इसमें जो पूछा गया था वो क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड दी फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन हमने यहाँ पे एज्यूम किया था x ओवर y, तो बस हमने यहाँ पे वही लिख देना है, द फ्रैक्शन इज x ओवर y मतलब 7 ओवर 9, तो यही इसका आंसर होगा। ओके,